नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहूसर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और ऐसा ही एक प्रश्न और है जो वित्त से संबंधित है। लेकिन याद रखिए, यदि आपको वित्त से संबंधित नियम याद हैं तो उस प्रकार के कोई भी प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप प्रश्न को देखते ही बता देंगे तो वो कौन सा शॉर्ट ट्रिक है उसको हम अगले प्रश्न में देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, दी गई आकृति में दो स्तंभ है, जैसे यहां पर देखिए यहां से यहां तक ए बी है जो 6 मीटर का है, उसी प्रकार सी डी ये कितने का है, ये जो है 11 मीटर का है, भूमि पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो है खड़ी लाइन जो दिखाई दे रहा है ये दो स्तंभ है ए बी और सी डी, और इसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है। उसी प्रकार बी सी दिया हुआ है, ये आधार है, तो बी सी जो दिया है कितना दिया है 12 मीटर, मतलब यहां से यहां तक जो है 12 मीटर है। तो आपको बताना है कि ए डी जो है किसके बराबर है, और यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 13 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर और 18 मीटर। यहां पर तीन संख्या आपको जो दिखाई दे रहा है वो विषम है और एक संख्या क्या है सम है। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले सबसे पहले बात तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। सबसे पहले इस प्रकार का जो चित्र दिया है और इसमें यहां पर देखिए इस प्रकार का अगर निशान लगा हुआ है तो निश्चित है कि यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यहां पर भी कोण जो है 90 अंश का होगा। अब जब ये दोनों कोण 90 अंश का होगा तो निश्चित रूप से ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, ये दोनों भुजा समांतर होगा। और जब हम समांतर भुजा को क्या करते हैं, इस प्रकार जो दिख रहा है इसके समांतर क्या करेंगे, हम बी और सी के समांतर भी यदि हम एक रेखा और खींच लें। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। हम क्या करेंगे, बी और सी के एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो हम सीधा यहां से एक समांतर रेखा खींचेंगे, इसको आप स्केल में बनाकर खींच सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें गणित प्रूफ करना है ना, यहां पर चित्र नहीं बनाना है, तो हमें केवल प्रूफ करने के लिए चित्र खींचना था तो हमने बना लिया। अब ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है, समांतर है। निश्चित रूप से जब ए और बी और डी सी क्या है, समांतर है, तो इनकी बीच की दूरी बराबर होगा हर जगह। इसका मतलब है कि ए और बी का जो मान है वो भी कितना होगा, वो भी 12 मीटर ही होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये 12 मीटर है और ये दोनों समांतर था। अब देखिए हमें ये पता है कि डी सी जो पूरा लंबाई है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 11 मीटर है। अब भाई जब यहां से यहां तक 11 मीटर है, अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, निश्चित रूप से यहां तक देखिए ए और बी का मान कितना है, 6 है। ठीक है, यहां से यहां तक 6 है, मतलब यहां पर अगर हम कोई बिंदु मान ले, इस जगह को चलो हम कुछ भी क्यू बिंदु मानते हैं, तो क्यू सी का मान कितना हो जाएगा, ये भी 6 मीटर ही होगा क्यू सी का। निश्चित रूप से हमें यहां पर डी और क्यू का मान निकाल लेना होगा। तो निश्चित रूप से डी क्यू का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक मतलब डी सी, देखिए डी और सी, ये डी सी है, डी सी में यदि हम क्या कर दें, क्यू सी को माइनस कर दे, मतलब 11 में हमें 6 को माइनस कर देना है और जो भी उत्तर आएगा, तो 11 में जब हम 6 माइनस करेंगे, यहां पर आप माइनस कर सकते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब डी और क्यू का मान कितना है, यहां पर 5 मीटर है। अब देखिए निश्चित रूप से हमने यहां पर समांतर रेखा खींचा था तो यहां पर जो कोण बन रहा होगा वो निश्चित रूप से 90 अंश का होगा। अब जब ये 90 अंश का है तो यहां पर जो त्रिभुज आपको अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें AD का मान बताना था, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, ये तो करना है ना, ये वाला लाइन आधार है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लंब। अब निश्चित रूप से यहां पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं और पाइथागोरस का प्रमेय सिंपल सा होता है, क्या होता है, AD मतलब यहां पर कर्ण का वर्ग करेंगे बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, AQ है ना, यहां पर हम AQ मान रहे हैं आधार को, तो AQ का वर्ग होगा और यहां पर DQ का वर्ग होगा। DQ क्या है, यहां पर लंब है, तो DQ का वर्ग। अब हमें AD का मान निकालना है ना, तो AD स्क्वायर होगा, AQ का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का आप स्क्वायर करेंगे और DQ का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अब हमें मान निकालना है AD का, है ना, तो अभी तो AD स्क्वायर का ही मान निकाल रहे हैं, 12 का वर्ग निकालेंगे तो 144 होगा और उसी प्रकार 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 169 होगा। ठीक है, लेकिन भाई ये तो मान किसका है, AD स्क्वायर का,
और हमें मान निकालना है AD का। तो निश्चित रूप से जब AD का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में हो जाएगा और ये 169 होगा, और 169 है ना, 169 का हम वर्ग निकालते हैं तो उत्तर कितना आता है, 13 आता है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर कितना आएगा, 13 मीटर आएगा, जो कि इन चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसमें हम वृत्त के नियम को सीखेंगे और उसमें हम बहुत ही आसानी से ये बता पाएंगे कि दिए गए आकृति का उत्तर आप क्या कर सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसका जो बेसिक तरीका है उसको हमें सीख लेना होगा, बेसिक नियम सीख लेना है। इस प्रश्न में देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ACB, अब इस चित्र में आपको ध्यान से देख लेना है कि ACB क्या है, ACB 30 अंश है ना, तो आपको बताना है AOB का मान बताना है। अब इसमें नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो आपको किसी प्रकार का चांदा का प्रयोग करना है, ना किसी प्रकार के प्रकार का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे कि हम प्रश्न को देखेंगे और उत्तर बता देंगे। यहां पर क्या बोला जा रहा है, ACB का मान कितना है, 30 अंश है, प्रश्न में लिखा, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, और AOB है, AOB का मान आपको बताना है, कौन AOB का मान कितना होगा, मतलब यहां पर मान कितना होगा, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, यहां पर ऑप्शन दिया है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 75 अंश। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूं। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो आपको एक नियम हमेशा याद रख लेना है, जब भी किसी भी वृत्त के, चाहे वृत्त कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो, वृत्त का केंद्र, हम वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और वृत्त पर हमने क्या कर दिया, दो बिंदु ले लिया और इस दो बिंदुओं को मिलाते हुए हमने केंद्र पर एक रेखा खींचा। इस प्रकार जब आप केंद्र पर एक रेखा खींचेंगे, ये बिंदु कुछ भी हो सकता है, चाहे बड़ा हो सकता है, चाहे छोटा हो सकता है। तो यहां पर मान लीजिए आपने ए और बी बिंदु लिया, तो ए और बी को मिलाते हुए जब आप यहां पर कोण बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा मैं नियम को आपको दो प्रकार से समझाने वाला हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, मान लीजिए यहां पर हम ये मानते हैं कि यहां पर 70 अंश का कोण बन रहा है उदाहरण के लिए, तो इन्हीं बिंदुओं द्वारा, अब देखिए अभी इन्हीं बिंदुओं के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया गया है, ओ पर बनाया गया है, तो इन्हीं बिंदुओं से हम एक रेखा और खींचेंगे जो परिधि पर कोण बनाएगा, देखिए शेष परिधि पर कहते हैं इसको, शेष परिधि पर कोण बनाएगा। अब शेष परिधि पर का मतलब इसी बिंदु से यदि मैं यहां पर कोण बनाऊंगा तब भी, और इसी दोनों बिंदुओं से, भाई इन्हीं दो बिंदुओं से हम परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाएं, यहां पर जो भी कोण बनेगा वो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका आधा होता है। निश्चित रूप से यहां पर अगर 70 अंश का कोण बन रहा है तो यहां पर कोण कितने अंश का होगा, 35 अंश का होगा। यहां पर यह भी हो सकता है कि ये रेखा अगर यहां पर आए ना, और दूसरा रेखा यहां बी पर जा रहा है, बी पर ऐसे बी से जा रहा है, तब भी यहां पर जो कोण बनेगा वो भी कितने अंश का होगा, 35 अंश का ही होगा। हाँ, कई बार ये लगता है कि अगर चित्र को हम छोटा बड़ा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर केंद्र ए है और ए को हम यहां पर ले रहे हैं, बी को हम यहां पर ले रहे हैं, तो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार बनेगा, ये बन गया, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये जो चाप आपको दिखाई दे रहा है ए बी चाप, इनके द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो भी कोण बनेगा, ठीक है, और जितने अंश का बनेगा, और इन्हीं चाप के द्वारा पहले केंद्र पर बना और इन्हीं चाप के द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर, मतलब इस प्रकार इसको आप स्केल में बनाइएगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूं समझाने के लिए, तो एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर, क्योंकि परिधि का आधा भाग तो ये है और बाकी शेष भाग ये है, तो शेष परिधि पर बना कोण, ठीक है, तो केंद्र पर जितना बनेगा, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि यहां पर 20 अंश बन रहा होगा ना, तो निश्चित रूप से यहां पर कोण जो है कितने अंश का होगा, 10 अंश का होगा। इसका मतलब यह है किसी चाप द्वारा अगर वृत्त के परिधि पर कोण बनाया जाए और उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाए, तो यह कहा जाएगा परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा केंद्र पर बने वाला कोण, ठीक है, अर्थात परिधि पर जितना कोण बन रहा होगा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितना कोण बन रहा है, मतलब यहां पर 10 अंश का बन रहा है, तो उसी चाप के द्वारा अगर वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाए तो वो क्या होगा, परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। या फिर उल्टा कह सकते हैं कि अगर एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर कोण बनाया जा रहा है और उसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कोण बनाया जा रहा है, तो ये वाला कोण क्या होता है, परिधि पर बना कोण जो है वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये तो हो गया सूत्र, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को क्या हमें बनाने की आवश्यकता है, यहां पर देखिए ए और बी एक चाप है, देखिए ए भी एक चाप है, तो यहां से देखिए ए से ही एक रेखा निकला है जो ऊपर गया है और बी से निकला है वो भी ऊपर गया है, मतलब ए और बी बिंदु से ही दो रेखा निकला है बिंदु ऊपर और यहां पर कोण बन रहा है और इसी का मान बताना है।
तो यहां पर देखिए भाई, ए से ही एक रेखा निकला है जो सी पर गया है और बी से ही एक रेखा निकला है जो सी पर गया है, मतलब दोनों कोण यहां पर वृत्त के परिधि पर जो कोण बन रहा है और यहां पर वृत्त का जो केंद्र पर कोण बन रहा है, दोनों जो है एक ही चाप ए और बी से बना हुआ है। तो अभी मैंने बताया है अगर परिधि पर जो कोण बना है उसको दिया है और केंद्र पर निकालना है तो इसका दुगुना कर देंगे, तो यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि केंद्र पर कोण दिया है और परिधि पर निकालना हो तो उसका आधा कर देंगे, और यदि परिधि पर दिया है कोण, है ना, परिधि पर, शेष परिधि पर, तो उसको दुगुना कर देंगे तो उसके केंद्र पर अंतरित कोण आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से गणित का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।